जी बिल्कुल, अगर मैच की बात करते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश की, तो इंतहाई अफसोसनाक जो है वो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से मैच हारा है। और अब हम ये कह सकते हैं कि इतना बुरा वक्त जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे आ चुका है कि अब हमें जो है वो बांग्लादेश और यूएई जैसी टीमों के लिए भी दुआ करनी पड़ती है कि काश हम इनसे मैच जीत जाएं। बाकी टीमों की तो हम बात ही करते हैं, यहाँ हमारे साथ शायकीन क्रिकेट जो कराची के हैं वो मौजूद हैं, इनसे एक एक करके बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप बताइएगा कि क्या जज्बात हैं आज पाकिस्तान जो है वो मैच हारा है, क्या कहना चाहेंगे? सीरियसली आई हैव नो वर्ड्स जिस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस थी, और अच्छा हुआ ये लोग हारे क्योंकि ये डिजर्व ही नहीं करते थे जीतना। आप खुर्रम मंजूर जैसे प्लेयर्स को, पर्ची प्लेयर्स के ऊपर लेकर आ रहे हो जिसने कुछ भी परफॉर्म नहीं करा है, उसको खेलने की तमीज़ नहीं है। आप मुझे ये बताइएगा कि शर्जील जो है वो, उसको भी 3 मौके दिए गए, खुर्रम मंजूर को भी मौके दिए, इवन हफीज़ जो इतने सीनियर प्लेयर थे उनको भी मौके दिए, और आफरीदी भी, मतलब ये सारे बड़े बड़े नाम हैं। आप क्या कहेंगे, क्या मतलब आपके जज्बात क्या है इस बारे में? भाई देखिए, सबसे पहला जो मसला है फंडामेंटली आपकी कैप्टनसी। अव्वल शाहिद आफरीदी को सबसे पहले तो ये कि अपनी फॉर्म उनकी सवालिया निशान है, उससे बेहतर आप नवाज को अपॉर्चुनिटी दे सकते थे यहाँ पे। आप किसी ऐसे प्लेयर को जिसने पीएसएल में परफॉर्म किया, शदीद गुस्से का जो है वो इजहार किया जा रहा है यहाँ पे, और क्यों ना हो कि पाकिस्तान जिस तरीके से मैच हारा है तो इस पे जो है वो इस तरह का गुस्सा जो है वो यकीनी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो है वो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था। जी